गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अशिता नाम अगेन है विद द न्यू वीडियो। आज हमारा फ्राइडे है एंड आज हमारा इस वीक का लास्ट टॉपिक है वो है पैथोलॉजी का। एंड पैथोलॉजी में हम ले रहे हैं हिमैट एंड हिमैट का जो हम टॉपिक लेंगे वो है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस होता है हमारे पास ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस है। तो इसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है। तीन तरह की सेल्स की फॉर्मेशन है, रेड ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो ये तीन प्रोसेसेस हमारे पास रहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड मेगाकैरियोपोइसिस। लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इरिथ्रोपोइसिस ही कराऊंगी, डायग्रामेटिकली कराएंगे। डायग्राम्स ये हैं इसमें और मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगी इसका। सो अभी हम शिमला पहुंचे हैं, सो थोड़ा ट्रैवल करके भी थक गई हूँ और कल वैसे भी मेरी क्लास है तो कल मैं दिन में तो नहीं शूट कराऊंगी, तो मुझे ये जो है अभी शूट करके रखना पड़ेगा। सो इसीलिए जो वीडियो है वो मैं सिर्फ इरिथ्रोपोइसिस का टॉपिक लूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दो टॉपिक्स भी कवर कर दूंगी। सो यस, विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मीन्स आपको पता है इरिथ्रोसाइट्स हम किसको बोलते हैं, आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो इरिथ्रोपोइसिस में क्या क्या इन्वॉल्व है, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ठीक है, ओरिजिन भी होगा, वो वहां से वो ओरिजिनेट भी करेंगे, वहां पे वो डेवलप भी करेंगे और मैच्योर भी करेंगे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एरिथ्रोपोइसिस। और ये है हमारे पास आरबीसीज के केस के लिए। अब हमारे पास ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये प्रोसेस हमारा होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में ये प्रोसेस होगा, लेकिन जो आपका बोन मैरो है वो 75% WBCs की फॉर्मेशन करता है एंड 25% ही वो आरबीसीज फॉर्म करता है। ठीक है, ये बोन मैरो की परसेंटेज है फंक्शनिंग की, कि हाँ कितने परसेंटेज में वो किस सेलुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टेज, अब आपका इरिथ्रोपोइसिस के ऊपर जाते हैं हम। ठीक है, अब इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है उसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं आपके हमारे पास, अलग अलग स्टेजेस आएंगे एंड जब वो सारी स्टेजेस क्रॉस जाती है, जब पूरा डिविजन कम्प्लीट हो जाता है, तब जाके हमारे पास आरबीसीज बनते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज हमारे पास है वो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। नाम से पता चल रहा है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो मतलब फर्स्ट, जो पहले हमारे पास जो सेल बनता है वो होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब इस स्टेज में क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट सेल डिराइव्ड होता है। इस सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज ह्यूज इन साइज एंड न्यूक्लियस जो है पूरे सेल को सराउंड करता है एंड इसका जो डायमीटर रहता है वो 20 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इस सेल का। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन जो है वो एबसेंट होता है। फर्स्ट स्टेज में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, दैट इज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है, अब इस स्टेज में आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखता है। अब उसके बाद आता है वापस अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में क्या है, अब प्रो के बाद जो स्टेज आएगी वो होगी अर्ली एंड उसमें जो आपका साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इसका साइज आई थिंक 15 माइक्रोमीटर रहता है हमारे पास। ठीक है, 15 माइक्रो हमारे पास इसका साइज रहता है एंड स्मॉलर होता है। इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, आपके पास न्यूक्लियोलाई इस स्टेज में नहीं रहते हैं एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिक नेटवर्क, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो नेटवर्क है उसमें कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास लेट इरिथ्रोब्लास्ट। लेट इरिथ्रोब्लास्ट मतलब अर्ली के बाद वाली जो स्टेज है वो लेट इरिथ्रोब्लास्ट है एंड लेट इरिथ्रोब्लास्ट जो है इसमें आपके पास बहुत ज्यादा छोटा न्यूक्लियस रहता है एंड उसको हम बोलते हैं इंक्ड स्पॉट न्यूक्लियस। ठीक है, उसको बोलते हैं इंक स्पॉट न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, इसमें वापस न्यूक्लियस तो रहा नहीं, न्यूक्लियस काफी छोटा हो गया, तो इसमें क्या होगा, एच बी इंक्रीज कर जाएगा। जब न्यूक्लियस कम हो गया तो एच बी हमारे पास इंक्रीज करेगा एंड साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा एसिडोफिलिक हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट। आपको जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडोफिलिक हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट। और इसमें हमारे पास क्या है, जब इस स्टेज में जो डिवीजन होगा तो लास्ट में क्या होगा, जो लेट इरिथ्रोब्लास्ट की जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है उसमें हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पिकनोसिस। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो बाय द प्रोसेस, जो पिकनोसिस का जो प्रोसेस है, जो इस डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, कि ये जो न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है, तो ये न्यूक्लियस यहां से रिलीज होकर बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ पिकनोसिस। ठीक है, पिकनोसिस के प्रोसेस से ही आपका जो न्यूक्लियस है वो जो है आरबीसी से बाहर आएगा। उसके बाद आपके पास आते हैं नेक्स्ट स्टेज जो है वो है रेटिक्यूलोसाइट स्टेज। रेटिक्यूलोसाइट स्टेज क्या होता है, आपको पता है रेटिक क्या होता है, व्हाट इज रेटिक्यूलोसाइट, दैट इज इमेच्योर आरबीसी एंड जो इमेच्योर आरबीसी है उसका साइज लार्जर होता है एज कम्पेयर टू मेच्योर आरबीसी। ठीक है,
तो ये आपका इमेच्योर आरबीसी होता है। इसको रेटिकुलोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। ये इमेच्योर आरबीसी होता है। एंड उसके बाद जो लास्ट स्टेज हमारे पास आती है वो है आरबीसी, मतलब अब आपका फाइनली जो है वो आरबीसी बन रहा है। ठीक है, तो आरबीसी के प्रोसेस में क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो जितना भी इसका रेटिकुलर नेटवर्क था वो सारा खत्म हो गया, एंड आपके पास सिर्फ लास्ट में एक सेल बचता है जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। एंड आरबीसी क्या है, आरबीसी में क्या होगा, रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर कर जाएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, एंड इसके अंदर आपके पास हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता ही है, और बाद में इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आरबीसी हमारे पास लास्ट स्टेज जो रेटिकुलोसाइट है उसके बाद ही आपके पास आरबीसी बनते हैं। एंड जो आपका आरबीसी होता है उसको 7 डेज लगते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी बनने के लिए, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इट टेक 7 डेज फॉर डेवलपमेंट। एंड इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है। सो ये था कुछ टॉपिक आपका इरिथ्रोपोइसिस को लेके, एंड मैंने आपको ये बता दिया। वैसे आपके पास ल्यूकोपोइसिस भी आगे आएगा, ल्यूकोपोइसिस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट्स आ जाते हैं, फिर उनका डिस्टिंक्शन, मतलब जो आपका ल्यूकोपोइसिस है उसमें सब डायग्रामेटिक ही आपको समझाने का है, एंड जो आपका मेगाकैरियोपोइसिस है वो भी डायग्रामेटिक ही है, थोड़ा सा थ्योरी है उसमें बताने के लिए। सो थ्योरी बेसिकली इसमें ज्यादा आती है हमारे पास, बाकी अगले दो जो दो प्रोसेसेस है वो दो डिविजन के बाद ही खत्म हो जाते हैं। सो ये था आज का टॉपिक इरिथ्रोपोइसिस। आज मैं आपको थोड़ा ही करवा पाऊंगी क्योंकि थोड़ा थक भी गए हैं। सो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, डायग्राम तो चीज देखना, मेरे डायग्राम्स बनाए हैं बिल्कुल कलर के साथ, डायग्राम्स बनाई हुई है, आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। सो डू चेक आउट, एंड अगर आपको कुछ अपनी तरफ से स्टडी करनी है तो प्लीज करो, उसको भी देखो, सब नोट्स हाँ मिक्सअप करो। मैं आपको बस आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, बाकी डिटेल स्टडी तो आपको खुद से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू हम। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, आपको कुछ हिंट प्रोवाइड कर रही हूँ नोट्स का, तो आपने उस रिलेटेड ही डीपली नोट्स बनाने हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस स्टेजेस है कि स्टेज में क्या होगा, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, साइज पता होना चाहिए, एंड कब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कब एचवी प्रेजेंट है, कब एचवी एब्सेंट है, ये सब पता होना चाहिए। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर कोई भी क्वेरी होगी तो मुझसे पूछना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।